CAA के खिलाफ देश भर में अब तक सियासत कर रही कांग्रेस अब NPR को लेकर आग भड़काने में जुट गई है। हाल ही में तिहाड़ की हवा खाकर वापस लौटे पी चिदंबरम ने ऐसी ही कोशिश की JNU में, तो मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने उन्हें जमकर लताड़ा। निरुपम ने ट्विटर पर लिखा, टोटल कंफ्यूजन, पी चिदंबरम चाहते हैं कि NPR का विरोध हो, इसके लिए उन्होंने JNU के छात्रों को कुछ टिप्स दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 1 मई से 15 जून के बीच NPR कराने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस शिवसेना की साझेदार है, क्या दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को इसकी जानकारी है? संजय निरुपम का संकेत साफ है कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है और मुफ्त का ज्ञान दिल्ली में बैठकर बांट रही है। अगर NPR पर कांग्रेस का स्टैंड साफ है तो पहले उद्धव ठाकरे को रोको, फिर पूरे देश में इसे रोकने की बात करें। निरुपम ने यह ट्वीट चिदंबरम के उस बयान के बाद दिया जिस पर उन्होंने JNU में कहा कि अगर सभी राज्य के लोग NPR के खिलाफ लामबंद हो जाएं और राज्य सरकारें फैसला कर लें कि इसको लागू नहीं किया जाएगा तो ये विफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA, NPR और NRC तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। CAA के खिलाफ चिदंबरम ही नहीं, राहुल और प्रियंका भी लगातार बयान दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद जैसे नेता कह चुके हैं कि आप इसे लागू होने से नहीं रोक सकते। बावजूद सबके कांग्रेस ने CAA के विरोध को जारी रखा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बांह कांग्रेस एक सीमा से ज्यादा नहीं मरोड़ सकती, क्योंकि सरकार गई तो कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा और कांग्रेस ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस CAA और NPR पर खामोश रहेगी, लेकिन बाकी जगह नहीं। चिदंबरम ने तो JNU में यहां तक कहा कि NPR को 2024 तक टालने की जरूरत है। कांग्रेस को लगता है कि 2024 में कोई चमत्कार हो जाए और सत्ता मिल जाएगी। ऐसी ही कोशिश 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले भी कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर कर चुकी है। तब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को लोकसभा चुनाव तक टालने का आग्रह किया था।